प्रैक्टिस कल का कितने लोग कर लिए यही पिक्चर बहुत अच्छा था तो आज नहीं किए प्रैक्टिस। ऐसा करें क्या कि आज प्रैक्टिस कर लेते और कल बाकी का प्रैक्टिस कर प्रैक्टिकल कर लेते, क्यों सही कह रहा हूँ ना है? आज पढ़ लिख ले यार, प्रैक्टिस कर ले। चलो कुछ पढ़िए लिख लेते हैं। तो इतना कोड तो हम लोग कल लिखिए लिए थे, लिख लिए थे ना। इस कोड में किसी को कोई समस्या है क्या? इस लाइन का मतलब जरा बताइए आप लोग कि क्या है, लाइन क्यों लिखा जाता है? सबसे आखिरी से थर्ड नंबर कौन है? जरा बताइए इस लाइन का मतलब क्या है जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है, बताएंगे? जो लाइन मैंने सेलेक्ट किया है ये लाइन क्यों लिखा गया है? आखिरी से थर्ड नंबर कौन है जरा बताइए। सेकेंड नंबर उनको भी नहीं मालूम, लास्ट नंबर कौन है वो बताए जरा, इस लाइन का क्या मतलब है? नहीं पता? चलो जी, नहीं पता तो हम क्या कर सकते हैं, क्यों? चलिए अच्छी बात है नहीं पता तो। और अनुराग ठीक ठाक है? जरा बताना इस लाइन का मतलब क्या है, मालूम है नहीं मालूम? नहीं आया थे? अच्छा प्रैक्टिकल नहीं किए थे, कर लेना आज। तो और कमलेश ठीक ठाक है? ठीक ठाक है ना? जरा बताओ इस लाइन का मतलब क्या होता है? कल नहीं आए थे? मेरे को ऐसा क्यों लग रहा था कि आए थे, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि कल आए थे? नहीं आए थे तो रिकॉर्डिंग तो मैं ग्रुप में सेंड कर दिया था, यूट्यूब पे भी था। हैं? काहे नहीं देखे, इंटरनेट का तो था। अच्छा गरिमा आपको समझ में आ रहा है ये लाइन क्या करता है? इस लाइन का मतलब आपको समझ में आ रहा है? नहीं पता? कहाँ चले गए सारे तेजस्वी लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। शुरू से बताएं, ये तो पूरा महाभारत खत्म हो गया है। हाँ सही कह रहे हो। और हम अब क्या बताएं? चलिए ये क्या है, पिक्चर बॉक्स का नाम है ठीक है, और ये इमेज प्रॉपर्टी है ठीक है। तो पिक्चर बॉक्स का इमेज प्रॉपर्टी में हम क्या डालते हैं? फोटो। फोटो का लोकेशन दे देते हैं तो क्या हो जाता है, फोटो दिखाई देने लगता है ठीक है। अगर हम वहां पे लिख देंगे नथिंग माने कुछ नहीं तो क्या होगा? बस यही बात तो था इसमें। चलिए जी इसको मैं कर देता हूँ रन। ओपन इमेज में मैंने क्लिक करा, इसमें क्लिक करा, फोटो आ गया, क्लियर कर दिया, फोटो चला गया ठीक है जी। तो यहाँ तक तो सबको समझ में आ ही रहा होगा, आ रहा है ना? इसमें छोटा सा समस्या है जिसका समाधान हम अब करेंगे। ओपन पे मन ने क्लिक करा, फिर कर दिया कैंसल, अब आ गया एक्सेप्शन एरर।
ठीक है जी, तो इसको हटाने के लिए क्या करना चाहिए जी? तो मैं क्या करता हूँ, सीधा इसी को एमएसजी बॉक्स में शो कर देता हूँ, ठीक है सर। हाँ, धुंधला दिख रहा है। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, एक साइड धुंधला दिखे, एक साइड क्लियर दिखे, मेरे को तो क्लियर ही नजर आ रहा है। अब ठीक है, इसी को कहते हैं भ्रम। आपको भ्रम हो गया है? नहीं सर, प्रधानमंत्री जी बहुत विकास कर रहे हैं देश का। सही नहीं सर। ऐसा, चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि विकास कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही शो डायलॉग को मैं ओपन करता हूं और इसको मैं क्या कर दे रहा हूं, मैसेज बॉक्स में शो कर दिया, ठीक है। देखते हैं क्या आता है इसका रिजल्ट। मैंने ओपन पे क्लिक करा, ठीक है, सेलेक्ट किया फोटो, यहाँ आ गया वन, ठीक। अब फिर मैंने क्या करा, कैंसल पे क्लिक कर दिया तो आ गया टू, ठीक है। अब इसी कंडीशन के आधार पे हम क्या करेंगे, बोल देंगे कि अगर वन हो तो क्या कर दो जी, इफ इक्वल वन तो क्या कर दो, ये वाला काम कर दो, ठीक है, ये वाला काम कर दो, ठीक है, अन्यथा मत करो, ठीक, ऐसे, ठीक है जी। ओपन पे क्लिक करा, अब कर दूंगा कैंसल तो कुछ नहीं होगा, अब फिर से कर दूंगा ओपन पे क्लिक और कर दूंगा ओपन तो हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम जो है हमने फिक्स कर लिया, ठीक है। ये एक तरीका है फिक्स करने का, मैं कंट्रोल जेड करके ऐसा फिर से कर दिया, पहले जैसा मैंने कर दिया। ओह नो, उसको क्यों हटा दिया, ठीक है, पहले जैसा मैंने इसको कर दिया, मैसेज बॉक्स को भी हटा देता हूँ, ऐसा हो गया, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँगा, डीम रिजल्ट इक्वल टू, नहीं, एज डायलॉग रिजल्ट, ठीक हो गया। डायलॉग रिजल्ट को मैंने इसको पास कर दिया यहाँ। अब मैं क्या करूँगा जी, रिजल्ट, ठीक है, इक्वल डायलॉग रिजल्ट में क्या कर दूंगा जी, एस कर दूंगा या ओके कर दूंगा, ठीक है, मैं ओके करता हूँ, ठीक है। इफ डायलॉग, ये जो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, ठीक, उसको मैंने स्टोर कर लिया किस में, रिजल्ट नाम के वेरिएबल में, और ये वेरिएबल किस टाइप का है, तो डायलॉग रिजल्ट टाइप का है, ठीक। जैसे ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा तो हमने ओपन पे क्लिक किया या कैंसिल पे क्लिक किया, तो ओपन के लिए मैं कर लेता हूँ यहाँ पे ओके, ठीक। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, डायलॉग रिजल्ट डॉट ओके, मैं इतने को हटा देता हूँ, ठीक है। डायलॉग रिजल्ट डॉट ओके, ठीक, आप चाहो तो मत हटाओ, ऐसे रहने दो, ठीक है। इक्वल टू का साइन देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दिया। अब इसमें मैं क्या करूँगा, इसको पास कर दूंगा, ठीक है, इफ के अंदर इसी को पास कर दूंगा, ठीक। तो क्या हुआ जी इसका मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि डायलॉग रिजल्ट में अगर ओके है, ये डायलॉग रिजल्ट इसमें ओके है रिजल्ट में, ठीक है, इसको शो हुआ डायलॉग बॉक्स, और फिर क्लिक किस में करा, ओपन में कर दिया, मैंने ओके पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तब क्या करो, तब जो है ओपन फाइल नेम को पास कर दो इसमें, पाथ में, और पाथ को जो है शो करा दो, अन्यथा कुछ मत करो, अन्यथा क्या कर दो, एल्स में आप दे सकते हैं मैसेज की सेलेक्ट इमेज, ठीक, क्या दे दोगे आप मैसेज, पी एल ई ए सी प्लीज सेलेक्ट इमेज, एनी इमेज लिख देता हूँ, एनी इमेज, ठीक है। अब मैं कर दिया इसको रन, अब इसको मैं यहाँ से ओपन करूँगा, कर दूँगा कैंसल, तो कुछ नहीं हुआ, आ गया कि प्लीज सेलेक्ट एनी इमेज, और नहीं करूँगा तो शो करूँगा और ओपन कर दूँगा तो क्या होगा जी, फोटो शो होने लगेगा। तो इतना बात क्लियर है सबको, क्लियर है ना, नहीं है क्लियर,
हाँ ना क्लियर है नहीं है, चलिए जी आगे चलें ना चलें आगे, चलते हैं आगे। डायलॉग बॉक्स का कुछ सेटिंग करते हैं जी। जैसे ही हमने यहाँ पे ओपन करा तो यहाँ पे फाइल नेम में पहले आता था, क्या आता था पहले? वहां पे फाइल नेम आ जाता था, ठीक है। यहाँ पे एम्प्टी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए ऑलरेडी कुछ लिखा लिखाया आता है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? मैं एल्स वाले ब्लॉक को हटा देता हूँ, मेरे को जरूरत नहीं है इसका, ठीक है। मैं लिखा क्यों था ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, आ गया ना एल्स वाला भाग क्यों लिखा था। चलिए जी अच्छी बात है, फिर से मैं रन करता हूँ प्रोग्राम, ओपन किया। ये जो ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ तो यहाँ पे आ रहा है ओपन, मैं चाहता हूँ कि टाइटल में आए सेलेक्ट इमेज, ठीक। तो कैसे आएगा जी? बड़ा आसान काम है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, डायलॉग बॉक्स बना, ठीक। तो इस डायलॉग बॉक्स का ये नाम है, माने ये वेरिएबल नेम में इसका नाम आ गया। मैं यहाँ पे करूँगा ऐसे डॉट टी आई टी एल ई टाइटल इक्वल टू क्या कर दूंगा, टाइटल प्रॉपर्टी में मैं पास कर दूंगा क्या, सेलेक्ट फोटो, ठीक। सेलेक्ट फोटो मैं कर दूंगा तो क्या आ जाएगा जी, सेलेक्ट फोटो यहाँ पे टाइटल में लिखा जाएगा। आ गया, चलिए आ गया ना। मैं नीचे फिर से आता हूँ, फिर से पेस्ट करता हूँ डायलॉग और लिख दूंगा टाइटल के जगह पे फाइल नेम। यहाँ पे अगर मैं फाइल में नेम में कुछ बाय डिफॉल्ट लिख देता हूँ तो क्या होगा, दिखा रहा हूँ क्या होगा जी, यहाँ पे कुछ लिखा लिखाया पहले से आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको हटाता हूँ जो है बाय डिफॉल्ट, अगर आप कंट्रोल से ड्रैग ड्रॉप करके लाओगे ना टूल बॉक्स से तो यहाँ पे ओपन डायलॉग बॉक्स बाय डिफॉल्ट आ जाता है, तो इसको आप कर दोगे ऐसे खाली, ठीक है। अब क्लियर है, ठीक है। ये देखिए एक काम और हमें करना है अभी, क्या काम करना है जी, मैं यहाँ पे आता हूँ और कर देता हूँ ओपन नोट पैड। ये चालू है कि नहीं है, चल रहा है, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ ओपन पे क्लिक, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन करना चाह रहे हो क्या, तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आ गया। फिर मैं बोल रहा हूँ आल फाइल, तो आल फाइल करूँगा तो आल फाइल सारा शो करने लगेगा, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसी टाइप का फिल्टर जो है ना मेरे पिक्चर बॉक्स में ओपन डायलॉग बॉक्स में क्या हो, शो हो जाए, ठीक। यहाँ पे फिल्टर शो हो, ठीक है जी। चलिए कैसे होगा शो, बड़ा आसान काम है। ओपन डायलॉग डॉट फिल्टर, ठीक। अब फिल्टर में मैं क्या करूंगा जी, सबसे पहले मैं लिखूंगा इमेज, ठीक। और यहां पे ब्रैकेट में मैं क्या डाल दूंगा जी, स्टार डॉट जेपीजी, ये हो गया एक्सटेंशन। फिर दूंगा पाइप का साइन, फिर लिख दूंगा स्टार डॉट जेपीजी, ठीक। तो ये लग जाएगा क्या, फिल्टर, ठीक आ गया ना। अब मैं जाऊंगा पिक्चर में, दिख ही नहीं रहा मेरे को अभी तो कोई फोटो, ठीक है। ये देखिए डेस्कटॉप पे आता हूँ, कोई फोटो दिख रहा है क्या, कोई फोटो नहीं दिख रहा है जेपीजी में, ठीक है। आल फाइल जो था वो ऑप्शन भी चला गया आल फाइल का, ठीक है। अब मैं दूसरा एक्सटेंशन भी इसमें देना चाह रहा हूँ तो क्या करूँगा, इतना तक जो दिया हूँ ये एक एक्सटेंशन के लिए है, ठीक। दूसरा एक्सटेंशन भी देना चाह रहा हूँ तो उसके लिए फिर पाइप का साइन दूंगा, फिर लिखूंगा, फिर क्या लिखूंगा, पी एन जी इमेज, ठीक है। पी एन जी इमेज लिखा, फिर ब्रैकेट यहाँ पे दिया, फिर स्टार डॉट पी एन जी लिख दिया, ठीक। फिर पाइप साइन दिया, फिर स्टार डॉट पी एन जी लिख दूंगा, ठीक।
ऐसे दे दूंगा, ठीक है। फिर इसको मैंने रन करा तो फिर देखिएगा आप क्या होगा। अब दो ठो आ गया, पीएनजी इमेज भी आ गया और जेपीजी भी आ गया। पीएनजी में मैं क्लिक किया, आता हूं मैं डेस्कटॉप में, ठीक है। ये देखिए पीएनजी है, अभी मैं इस पे क्लिक करूंगा ऐसे, तो ये देखिए वो फोटो गायब हो गया ना, ये देखिए। तो इसी तरह से आप लगा लेंगे फाइल में फिल्टर। फिर इसके बाद में यहां तक एक फाइल का हो गया एक्सटेंशन, यहां तक दूसरे फाइल का एक्सटेंशन हो चुका है, ठीक है। तीसरे का भी देना है तो मैं क्या करूंगा, फिर से पाइप साइन दूंगा, फिर से क्या कर दूंगा, जेपीईजी इमेज, ठीक। फिर से ब्रैकेट यहां पे दूंगा, फिर क्या कर दूंगा, स्टार डॉट जेपीईजी, ठीक। क्या मैं लिख रहा हूं, जेपीईजी, ठीक। और फिर से इधर आके पाइप साइन देके लिख दूंगा जेपीईजी। तो क्या हो जाएगा, कितने एक्सटेंशन हमने ऐड करे, एक एक्सटेंशन ऐड किया, दो एक्सटेंशन ऐड किया, तीन एक्सटेंशन ऐड कर दिया, तीनों एक्सटेंशन अब शो होना चाहिए। क्लिक करा मैंने इस पे, डेस्कटॉप पे गया, ये देखिए तीनों एक्सटेंशन अब यहाँ पे शो हो रहा है, हो रहा है ना। इमेज पे क्लिक करा तो कोई इमेज नहीं आया, पीएनजी पे क्लिक किया तो पीएनजी का एक फोटो एक्सटेंशन था तो आ गया, जेपीईजी पे क्लिक किया मैंने तो कोई नहीं आया जी, ठीक है। इस तरह से आप लगा लोगे फिल्टर, ठीक। आखिरी में एक और फिल्टर लगा देते हैं, क्या, ऑल फाइल के लिए, जैसे नोटपैड में था ना ऑल फाइल, स्टार डॉट स्टार मतलब टोटल एक्सटेंशन, फिर पाइप साइन दे दीजिए, स्टार डॉट स्टार टोटल एक्सटेंशन। तो ये हो गया ऑल फाइल के लिए एक्सटेंशन, ये हो गया जेपीईजी के लिए इतना, ठीक है। और यहां से यहां तक हो गया पीएनजी के लिए, और यहां से यहां तक किसके लिए हो गया, जेपीजी के लिए, ठीक। अब मैं इसको कर दूंगा रन, अब ऑल फाइल के लिए भी एक्सटेंशन आ जाएगा, ठीक है जी। ये देखिए ऑल फाइल के लिए भी आ गया, मैंने ऑल पे क्लिक करा तो सारा शो होने लगा, ये देखिए, ठीक, ठीक है जी। ठीक है, ये देखिए, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो जी बता दीजिए आप लोग, और नहीं दिक्कत है तब तो कुछ बात ही नहीं है। इस स्पेस को तो मैंने हटा दिया, अब जो है आना चाहिए, अब आ गया, यही गलतियां मैंने करा था, ठीक है। ये देखिए जी, यहां पे आप स्पेस नहीं दोगे, ठीक। मैंने यहां पे स्पेस दे दिया था तो क्या हो रहा था, फिल्टर कर नहीं रहा था, ठीक है। मेरे को लगा था कि फोटो ही नहीं है, पर फिल्टर, ये देखिए यहां पे इस लोकेशन पे एक जेपीजी फाइल है लेकिन वो फिल्टर नहीं किया गया, ठीक। पीएनजी करूंगा तो पीएनजी नहीं है, मैं आल फाइल यहाँ से कर देता हूँ तो ये देखिए एक है ना जेपीईजी, तो लेकिन फिल्टर तो उसको नहीं कर रहा है जेपीईजी में, ठीक है जी। ये देखिए गायब हो गया, नहीं किया, ठीक है। तो आप क्या काम करेंगे कि ये जो स्पेस है ना यहाँ पे, ये स्पेस जो है नहीं देंगे, ठीक। मैंने बाकी में स्पेस नहीं दिया है, सिर्फ एक ठो में भी इधर सामने स्पेस दे दिया था गलती से, ठीक है। तो आप स्पेस नहीं देंगे जी, इस तरह से हमारा फिल्टर काम करेगा। ये देखिए पीएनजी, ये जेपीईजी फाइल है तो जेपीईजी फिल्टर में आ गया, पीएनजी में करूंगा तो पीएनजी का कोई फाइल नहीं है तो नहीं आया, आल में कर दूंगा तो सारा शो करने लगा, ओपन हो गया। तो ये क्या है आपका फिल्टरिंग, ठीक। अभी इसको मैं रन अगर करता हूं, ठीक है, तो जो इन फिल्टर में पहले से लिखा हूं, सबसे पहले नंबर पे कौन सा फिल्टर था, जेपीजी था, तो जेपीजी यहां पे सिलेक्टेड है। मैं चाहता हूं कि जेपीईजी जो है सबसे पहले सिलेक्टेड हो बाय डिफॉल्ट,
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभी आ रहा है कौन सा फिल्टर, अभी आ रहा है ये वाला फिल्टर, बाय डिफॉल्ट मुझे कौन सा चाहिए जी, ये वाला चाहिए, तीसरे नंबर वाला, तो क्या करूँगा जी, सिंपल सा बात है, आऊँगा नीचे और लिख दूंगा फिल्टर इंडेक्स और इसमें क्या दे दूंगा 3, ठीक, दे दिया मैं 3 फिल्टर इंडेक्स में। और यहाँ पे आप देखते हैं क्या होगा, जेपीईजी वाला तीसरे नंबर का इंडेक्स बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड आ गया, ठीक, क्लियर है आप सब लोगों को, नहीं है क्लियर, क्लियर है, चलिए जी, जब आप सभी लोगों को क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। ये जो है ना ओपन फाइल डायलॉग में फिल्टरिंग का ऑप्शन, ये सेव फाइल डायलॉग और ओपन फाइल डायलॉग दोनों में कॉमन होता है, तो आपसे अगर कोई पूछे कि कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है जो दोनों में कॉमन होता है, तो आप क्या बताओगे, मैं तो कुछ और बताया था, कौन सा, फिल्टर, ठीक, ये वाला जो फिल्टर में मैंने दिया है ना, ये सेव में भी होगा और ओपन फाइल डायलॉग में भी होगा, आपको मैं अभी लाइव दिखाऊंगा प्रैक्टिकल करके, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा ओपन डायलॉग बॉक्स का काम खत्म हो गया जी, ठीक है, हमारे अनुसार सारा काम हो रहा है। यहाँ पे कुछ पूछना है किसी को तो पूछ लीजिए, अन्यथा मैं आगे बढ़ूं, ठीक है, फोटो फाटो कोई खींचेगा मोबाइल से, मैं शो कर रहा हूं बड़ा तो खींचना, मैं यहां से इशू कर दे रहा हूं एंटर मार के नीचे, लेकिन एंटर मार के नीचे ला नहीं सकता मैं, ठीक है, ये डबल यहां से बंद कर दे रहा है जी, जैसे मैं इधर ला रहा हूं, चलिए नो प्रॉब्लम, इसको मैं इधर किनारे ले लाऊं तो भी नहीं होगा, यहां तक आपको देखना पड़ेगा इसमें, ठीक है, चलिए खींच लीजिए फोटो, खींचिए, हो गया, हो गया ना, इधर लाता हूं, अब फिल्टरिंग को पूरा फोटो खींच लीजिए, फिल्टर का ये वाला, आ गया क्लियर, हो गया जी, खींच लिए। एक काम और कर लेते हैं हम लोग इसमें, क्या काम कर लें, बड़ा आसान काम है, ठीक है, क्या, इसमें जो फोटो ओपन हुआ है उसको सेव कैसे किया जाएगा, सेव करना भी सीख लेते हैं, सीख लें, इसको सेव कैसे करेंगे उसको भी हम सीख लेते हैं, ठीक है, इसका मैं टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाता हूं बटन का और इसमें कर देता हूं सेव, ठीक, और इसके नेम प्रॉपर्टी में जाता हूं और कर देता हूं बटन सेव, ठीक, चलिए इस सेव बटन पे डबल क्लिक करता हूं और यहां पे मैं क्या करूंगा जी, फोटो को सेव करने का ऑप्शन कोड लिखता हूं, ठीक है, ठीक है ना, चलिए जी, तो
मैं आता हूँ पहले तो इधर टूल बॉक्स में आता हूँ, इधर सेव फाइल डायलॉग होगा कहीं, ठीक है, सेव फाइल डायलॉग यही है क्या? यही तो दिख रहा है, ये है जी सेव फाइल डायलॉग, आ गया है हमारे फॉर्म में। और सीधा हम यहाँ पे लिख सकते हैं जी सेव फाइल डायलॉग डॉट शो डायलॉग, वैसे ये शो डायलॉग जो है ओपन हो जाएगा। ठीक, सेव पे मैंने क्लिक करा और सेव फाइल डायलॉग आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से आप इस्तेमाल करोगे सेव फाइल डायलॉग का। ठीक है जी, हो गया। चलिए मैं क्या करता हूँ, इस ऑप्शन को मैं करता हूँ डिलीट। ठीक, यहाँ से इसको भी कर देता हूँ डिलीट। ठीक है जी, इसको भी हम क्या करेंगे, ओपन फाइल डायलॉग को जैसे हमने कोड के थ्रू बनाया, ठीक है, सेम वैसे ही हम सेव डायलॉग बॉक्स को भी कोड के थ्रू बना लेंगे। ठीक ठीक है ना, कंट्रोल ना लेकर के हम कोड के थ्रू जो है बना लेंगे, जैसे यहाँ पे हमने इसको बनाया। ठीक है, तो क्या मैं इसी कोड को कॉपी पेस्ट करके बना दूं या लिख दूं? लिख दूं, ठीक है, लिख देता हूं। तो डीम सेव फाइल डायलॉग, डायलॉग लिखा, फिर एज न्यू सेव फाइल डायलॉग आ गया। ये जो है सेव फाइल डायलॉग बन के रेडी हो गया। अब इसी को मैं यहाँ पे डॉट शो डायलॉग करा दूंगा तो शो हो जाएगा। ठीक है, इतने लाइन के कोड से बन के रेडी हो गया। और जो नाम इधर से कंट्रोल से खींच के लाते थे तो उसका नाम के आधार पे हम लोग काम करते थे ना, वो फाइल सेव फाइल डायलॉग का नाम ये है। ठीक, ये देखिए आ गया। तो इसी तरह से आप काम कर लेंगे। ठीक है, ठीक है ना। फिर उसके बाद अब हमने हमको क्या करना है जी, यहाँ पे हमने कंडीशन, यहाँ पे क्या करा है हमने, टाइटल को चेंज करा है, तो हम यहाँ पे भी टाइटल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सेव डायलॉग का भी हम टाइटल को चेंज कर सकते हैं, उसी तरह से सेम कोड लिखना है पूरा मेरे को। ठीक है, सेव एज यहाँ पे आ रहा है, टाइटल में मैं लिख देता हूँ, क्या लिख दूँ मैं, सेव इमेज, लिख देता हूँ डॉट टाइटल इक्वल टू सेव, नहीं डबल कोट में लिखना पड़ेगा ना, सेव फोटो, सेव फोटो मैं लिखता हूँ। ठीक है जी, आप देखना टाइटल जो है बदल जाएगा। ठीक है, टाइटल बदल गया, नहीं बदला जी, ये तो मज़ा नहीं आया यार, सेव ही रह गया, ये बहुत ना इंसाफी है। तो इसको मैं क्या कर दूंगा जी, यहाँ से कट करूंगा, यहाँ ला के पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो हम शुरू कर देंगे आंदोलन। लेकिन हमारे आंदोलन से ये डर गया जी और क्या हो गया, शो कर दिया। ठीक है, चलिए जी, टाइटल शो हो गया हमारा। अब इसके बाद हमको क्या करना है, क्या करना है, ऊपर मैं देख लेता हूँ क्या करना है, भूल गया, फाइल का नेम। तो फाइल का नेम हमें एम्प्टी करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही सेव जो है ना, वो एम्प्टी हम क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि जैसे ही डायलॉग बॉक्स ओपन हो तो यहाँ पे फाइल नेम में बाय डिफॉल्ट कुछ लिखा आता है, वो बाय डिफॉल्ट लिखा ना आए, इसलिए हम फाइल नेम को जो है एम्प्टी करते हैं। लिखा कब आता है, जब हम कंट्रोल को ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ से लाते हैं, तो जैसे ओपन के केस में आ रहा था, बाय डिफॉल्ट आ रहा था ना, पहले हम जब ड्रैग एंड ड्रॉप करके लाए थे ओपन फाइल डायलॉग का कंट्रोल, तो आया था कुछ फाइल नेम लिखा हुआ ओपन डायलॉग, तो वो ना आए इसलिए हम लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद और क्या है जी, फाइल नेम का ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमें ज़रूरत है इस फिल्टरिंग का,
इसको मैं सीधा कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ फिल्टरिंग में। ठीक, कॉपी मैंने कर लिया है। अभी मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो सेव एज टाइप जो है यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है। ठीक, मैं इसको जैसे यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो क्या होगा, और नाम यहाँ पे इसका लाके ऐसे कर दूंगा जी, ऐसे, तो क्या हो जाएगा जी, आप लोग देखना क्या हो जाएगा, फिल्टर जो है आ जाएगा यहाँ पे अपने आप। ठीक, अब ये देखिए, ये क्या है, जेपीजी है जी। अच्छा, अभी तो मैं सेव करने का कुछ कोड लिखा नहीं, ये एक्सेप्शन आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा वो पहले का शायद था। तो फिल्टरिंग का हमने काम कर लिया है। ठीक है, अब हमें कौन सा काम करना है जी, देख लेता हूँ मैं ऊपर। फिल्टर इंडेक्स भी दे सकते हैं हम, दे दूँ क्या? उसके बाद है डायलॉग बॉक्स को शो कराना, हम शो करा दिए हैं जी। यहाँ पे दे दिया फिल्टर इंडेक्स। ठीक, इसको भी मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया कॉपी करके। यहाँ तक कोड सबको क्लियर है, क्लियर है ना? अब शो डायलॉग के नीचे मैं क्या करूँगा, फाइल को मुझे सेव करने का कोड लिखना है। कैसे सेव करूँगा मैं, पिक्चर बॉक्स वन डॉट इमेज लिखूंगा, इमेज फिर लिखूंगा डॉट, फिर क्या लिख दूंगा जी, इसी में मेथड होगा सेव का, हाँ सेव आ गया मेथड। तो कई तरह से गेट बॉय इसमें होगा, बिटमैप वगैरह, स्ट्रीम भी होगा, रोटेशन वगैरह का भी दिया है, रॉ फॉर्मेट में भी सेव होगा। ठीक है, तो मैं क्या चला दूंगा जी, सेव मेथड चला दूंगा। अब सेव मेथड को क्या क्या चाहिए जी, ये चाहिए फाइल नेम एज ए स्ट्रिंग। ठीक, फिर इसके बाद फॉर्मेट भी हम दे सकते हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर है, स्ट्रीम दे सकते हैं, फिर फॉर्मेट दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा जी फाइल का, सिर्फ यहाँ पे पाथ दूंगा। ठीक, क्या दूंगा यहाँ पे, पाथ, पाथ दे दूंगा यहाँ पे, तो सेव हो जाएगा ये। ठीक है, आप लोग समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कहाँ सेव करना है वो पाथ मैं यहाँ पे दे दूंगा जी, तो सेव हो जाएगा। ठीक है, तो पाथ मैं कैसे दूंगा आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सेव बटन पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे लोकेशन तो पहले ओपन होके आ गया ना, अब यहाँ पे जो नाम दूंगा उस नाम से जो है फाइल को सेव हो जाना चाहिए, राइट। मैं करता हूँ कैंसल, एक्सेप्शन आ गया नल पॉइंटर का, कुछ और पाथ में कुछ है नहीं जी। ठीक है, तो यहाँ को मैं हटाऊंगा इसको, और क्या लिखूंगा, कौन सा प्रॉपर्टी एक्सेस करूंगा मैं, डॉट फाइल नेम प्रॉपर्टी। ठीक, जैसे ही फाइल नेम प्रॉपर्टी एक्सेस करा, फाइल नेम इसमें आ जाएगा जी, और उसी फाइल नेम से सेव कर देगा। ठीक, चलिए मैं ओपन करता हूँ इसको, ओपन कर लेता हूँ मैं कोई फाइल। ठीक है, इसको कर देता हूँ जेपीजी में, ये वाला आ गया। ठीक है, इसको मैं कर दिया ओपन, आ गया। अब मैं इसी को सेव कर रहा हूँ, सेव किया तो मैं इसको सेव नाम से ही सेव कर रहा हूँ। ठीक, इसका एक्सटेंशन क्या था, डॉट जेपीजी था ना एक्सटेंशन, मैं एक्सटेंशन बदल के कर देता हूँ पीएनजी, और फिर इसको कर देता हूँ सेव। ठीक, सेव हो गया वो फाइल, देखना है आपको, ओपन इमेज पे मैं क्लिक कर देता हूँ जी, और फिर यहाँ पे आके पीएनजी सेलेक्ट करता हूँ, तो पीएनजी में देखिए सेव हो चुका है सेव नाम से। ठीक, ये फोटो ओपन हो गया ना। तो इस तरह से आप क्या करोगे, काम कर लिया करोगे। मैं दिस पीसी में जाऊँगा और डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में जाऊँगा, तो यहीं पे देखिए सेव नाम से जो है फोटो डॉट पीएनजी एक्सटेंशन से सेव हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से सेव कर लिया करोगे ना, इस तरह से आप लोग सेव कर लोगे, सेव हो जाएगा फाइल आप लोगों से, नहीं होगा। करता हूं मैं इसको रन, इसको सीधा मैं सेव करने का कोशिश करता हूं, लिख दिया ये और कर दिया सेव।
आ गया जी एक्सेप्शन एरर। इस एक्सेप्शन को हटाएंगे हम कैसे? बड़ा आसान काम है जी, हम चेक कर लेंगे नल तो नहीं है, ठीक है। हम क्या चेक कर लेंगे जी, नल तो नहीं है कहीं। जैसे यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे यही रहने देता हूँ, SEM लिखा और कर दिया सेव, नल रेफरेंस एक्सेप्शन आ गया ना, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा जी, चेक कर लूँगा इसके पहले, ठीक है, कि कहाँ पे चेक कर लूँ। मैं पहले ही चेक कर लेता हूँ इफ क्या मैं लिख रहा हूँ, पिक्चर बॉक्स डॉट इमेज, ठीक है, इमेज नॉट इक्वल टू क्या, नथिंग, ठीक, ये काम नहीं करेगा ना ऐसे, नहीं 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 नहीं, ये ऐसे काम नहीं करेगा, तू कैसे काम करेगा, नॉट इक्वल टू नल काम कर सकता है। नहीं नहीं मैं भूल रहा हूँ, कुछ तो है इसमें इसमें क्या, कुछ तो कंडीशन दिया जाता है यार, लेकिन मैं बोल रहा हूँ db null nullable is null करके है कुछ, क्या is numeric, नहीं ये भी नहीं है, इसको मैं कैसे चेक कर लूँ। Is not in OT, not is nothing, then नहीं यार ये काम नहीं कर रहा, कुछ तो था इसमें जो मैं भूल रहा हूँ, is nothing, या इज नथिंग यूज होता था, कैसे था, ये काम करेगा लगता है मुझे। अगर इज नथिंग है, ठीक है, तो क्या कर दो जी, ये सारा कोड इस इफ के अंदर ला के डाल दो, देखते हैं काम करता है या नहीं, काम करना चाहिए, मेरे को लग रहा है कि ये काम करेगा। ये लो हो गया, तो इफ इज नथिंग, ठीक है, नथिंग में डाल दिया इसको, पिक्चर बॉक्स डॉट इमेज को, फिर डाल दिया मैं इसको, इज अगर नथिंग है तो क्या करो जी, एल्स भाग चलाता हूँ मैं, पहले इसको मैसेज दे दो, क्या मैसेज दे दो, प्लीज ओपन इमेज, इमेज सामने वाला शायद ना समझे तो फिर लिख दो प्लीज ओपन फोटो देन सेव, पहले फोटो ओपन करो फिर जो है सेव करो, हम मैसेज दे देंगे, ठीक। और अगर इज नथिंग फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है, ये अगर फॉल्स रिटर्न कर देगा तो आ जाएगा इसमें, चेक करते हैं काम करता है या नहीं, करना चाहिए ऐसे, बोल रहा है प्लीज ओपन फोटो देन सेव, ठीक है। अब फिर यहाँ पे मैंने आया, ठीक है, और इमेज सेलेक्ट किया ये वाला, अब सेव पे मैं जब क्लिक करूंगा तो क्या होगा, अब जो है सेव हो सकता है जी, सेव पे मैंने क्लिक करके सेव पे क्लिक करा तो क्या हो गया, आ गया। अब सेव पे क्लिक करूंगा तो बोलेगा प्लीज ओपन इमेज देन सेव, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया हमारा।
फोटो सेव हुआ कि नहीं देख लेते हैं जी। माई कंप्यूटर में जाके डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे और यहाँ पे देखिए JPEG एक्सटेंशन से आपकी बार सेव किया हूँ मैं, तो JPEG आ गया जी। पेंट से ओपन कर दूँ, ये देखिए आ गया। तो यही है जी, ये है सेव फाइल डायलॉग। ठीक, सेव फाइल डायलॉग के फाइल नेम प्रॉपर्टी को मैंने यहाँ पे दे दिया है। इस फाइल नेम प्रॉपर्टी में क्या है, तो इस फाइल नेम प्रॉपर्टी में क्या कहते हैं उसे, फाइल का नाम है। ठीक है, एक शायद और बग इसमें हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने फोटो ओपन करा, ठीक है, और सेव पे क्लिक करा, पर मैंने कैंसिल कर दिया तो क्या हुआ, फिर से आ गया एक्सेप्शन। तो इस एक्सेप्शन को हटाने के लिए क्या करेंगे जी, हम वही टेक्निक अपनाएंगे, डीम डायलॉग रिजल्ट ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, एज डायलॉग रिजल्ट इक्वल टू ये पास कर देंगे हम, और फिर इसी को जो है यहाँ पे इफ में पास कर देंगे, इफ इक्वल टू डायलॉग रिजल्ट इक्वल टू ओके, देन जो है सेव करो। ठीक है, ऐसे कर देंगे जी। ठीक, ये वेरिएबल का नाम पता नहीं क्या हो गया जी, लेकिन छोड़िए मैं ध्यान नहीं दूंगा उसमें अभी। ठीक है, तो इस तरह से जो है सेव का भी हमारा काम हो गया। अब देखिए मैं ओपन करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा, सेव पे क्लिक करूंगा और कैंसिल कर दूंगा, तो हमारा जो है एरर अब नहीं आएगा। तो ये पूरा कोड हो गया जी सेव का। ठीक, चलिए फोटो वगैरह आप खींचोगे तो खींच लो, अन्यथा हम क्या करें, आगे बढ़ें। ठीक, सारा का फोटो खींचोगे या जरूरत नहीं है सभी का, आप लोग तो बाकी फोटो खींच लिए हो, खींच लिए हो ना, तो सेव का खींच लो आप अभी। ठीक है, यहां से यहां तक सेव का है जी, खींच लो फोटो इसका। खींच लिए, फिल्टरिंग का भी खींचना है पूरा, तो खींच लो पूरा फिल्टरिंग का, खींच लिए, ये लो फिल्टर का भी खींच लो पूरा, हो गया। आगे चलें ना चलें, हो गया जी 43, हो गया नहीं हुआ, हो गया। चलिए मैं इसको कर देता हूँ ऐसे। और तो इसमें किसी को कोई समस्या तो नहीं होना चाहिए, नहीं है ना, है। मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, ठीक है, आता हूँ दिस पीसी में। ठीक है, फिर उसके बाद कहाँ जाऊँगा मैं, डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, इस पे मैंने जैसे ही क्लिक करा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करूँगा तो अगला फोटो आ गया जी, फिर क्लिक करा तो अगला आ गया, फिर क्लिक करा तो फिर से अगला ही आ गया, फिर यहाँ से क्लिक करा तो पिछला आ गया, फिर क्लिक करा तो पिछला, फिर किया तो ये फोटो आ गया। तो ये नेक्स्ट और प्रीवियस हो रहा है ना, क्यों, जितना भी फोटो है उस लोकेशन पे नेक्स्ट और प्रीवियस हो रहा है, यही हो रहा है ना। तो मैं ये अब चाह रहा हूं ना कि
इसको करता हूँ साइज में बड़ा, इसमें एंकर प्रॉपर्टी नहीं सेट किया था इसलिए यहीं रह गया, ठीक है। जैसे ही मैं ओपन पिक्चर पे क्लिक करूँ, ठीक है, तो क्या हो जाए, क्या हो जाए, ओपन हो गया फोटो, ठीक है, ओपन हो गया ना। मैं अब ये चाहता हूँ कि एक बार में मैं एक से ज्यादा, मतलब 10 फोटो ओपन कर लूँ, 20 फोटो ओपन कर लूँ, ठीक है। हाँ, यही मैं ब्रूस ली द फाइटर का होगा, ठीक है। हाँ, क्या चीज, नहीं इतना ही बड़ा बड़ा दिखाना है फोटो, क्या चीज। हाँ बात तो सही है, एक बार कैसे ओपन हो जाएगा। हाँ, क्या चीज होगा, कुछ हो, नाम क्या करोगे जान के। साउथ वाले जो एक्टर होते हैं ना, उन लोगों का लंबा लंबा नाम होता है, जैसे इन साहब का नाम है रामचरण तेजा, इनके पिताजी का नाम लोग कहते हैं चिरंजीवी, पर ओरिजिनल नाम कुछ है रविशंकर वर प्रसाद लंबा चौड़ा। एक है NTR जिसका लंबा चौड़ा नाम मालूम क्या है, नंदमूरी तारक रामा राव, ठीक है। तो इन सब साउथ वालों के एक लंबा चौड़ा नाम होते हैं, ठीक है। तो एक साथ ओपन कर लूं मैं 10 फोटो, और क्या करूं, इधर बटन बना दूं नेक्स्ट और प्रीवियस का, नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करूं तो अगला अगला फोटो आए, और प्रीवियस पे क्लिक करूं तो प्रीवियस प्रीवियस फोटो आए, ठीक रहेगा ना, नहीं रहेगा, तो बना दे वैसा। तो बना दे वैसा ना, अभी तुरंत बना दूं या आप लोग प्रैक्टिकल करोगे कल बनाए। 47 मिनट हुआ है, अगर आप लोग कहोगे तो कल बनाएंगे, और अगर आप लोग कहोगे अभी बनाने के लिए तो मैं अभी बना दूंगा, उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, फैसला आपको करना है जी। हैं, बताओ 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 क्या करूंगा। इस बटन का भी मैं एंकर प्रॉपर्टी सेट करता हूँ, बताओ क्या कर दे, हैं, कल बनाए। यार ये छोटा छोटा काम के लिए कल पे छोड़ देते हो, चलो। तो आज प्रैक्टिस करना है आप लोगों को, ऐसा, चलिए जी, ऐसा है तो अच्छी बात है। एकठो गैलरी बना के देखेंगे कल हम लोग, क्यों, कल एकठो गैलरी बना के देख लेंगे ना, सही हो जाएगा। चलिए जी, तो आज खत्म करें आज का कहानी। हाँ, सेव हो गया, क्लियर हो गया, ओपन हो गया, राइट। चलिए जी, किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए, और नहीं पूछना है तो बता दीजिए जी कि नहीं पूछना है, तो हम बैग उठाएं और निकल लें। चलिए जी, नहीं पूछना है तो अच्छी बात है, इसको स्टॉप कर लेता हूँ थोड़ी देर, बाकी देख लेंगे कल।